Hi everybody. Yesterday was a fantastic day. जैसे रात को मैंने अपने कमिटमेंट करी थी कि मैं इमरजेंसी के कारण से घर आ गया था, लेकिन मैंने कल पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्ट फिनिश किया. ऑनेस्टली फिनिश किया, सेलिब्रेट किया, बच्चों की तरह सेलिब्रेट किया. क्या कि मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग की शूटिंग खत्म कर दी है. ओके, एंड आई बिलीव इन दैट एवरी माइन्यूट सक्सेस मस्ट बी सेलिब्रेटेड. आज का दिन बहुत ही फैंटास्टिक है. मैं ऑफिस जाऊंगा एंड अपने टीम के साथ आज बैठूंगा कि किस तरह से अपने प्रोग्राम डिस्कवर द पावर विद इन को आपके पास लेके आया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आया जाए और उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों का दिया जाए. लेकिन उसके पहले मैं जाऊंगा ऑफिस मीटिंग के बाद. मैं फिर से आज बजटरी कंट्रोल शूट करने की कोशिश करूंगा, एटलीस्ट स्टार्ट. क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम काम को स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो काम स्ट्रीमलाइन में आ जाता है और आपके दिमाग में उसका ये आता है, सिस्टम आता है कि इसको फिनिश किया जाए. सो आई ऑलवेज से जंप स्टार्ट. आपके भी दिल में कुछ करने का जज्बा होना तो स्टार्ट करो. डोंट सर्च द परफेक्शन, डोंट स्टॉप योर गुड इन द वेट ऑफ बेटर. मतलब बेटर का वेटिंग करने के लिए गुड को स्टॉप मत करो. डोंट स्टॉप योर गुड. Time will come, the good will become the better, and the better will become the best. Don't search direct list. So, wish me all the best to achieve my target for today. मुझे आप all the best बोलिए और shoot भी करूँगा. Studio से भी मैं आपको बताऊँगा कि आज मैंने budgetary control start कर दिया. Thank you. Get tuned with me and remain with us. Share with your friends, family, children, and whoever. Thank you. जैसे मैंने आपको कहा कि आज मेरा टारगेट है कि मैं बजटरी कंट्रोल करूंगा, जो सीए इंटर के बच्चों के लिए या एमबीए के बच्चों के लिए एक बहुत 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 बड़ा टूल होगा, जिसमें कॉर्पोरेट के प्रैक्टिकल नॉलेज को दिया जाएगा उनके दिमाग में, जो एग्जाम में लीक पाएंगे और जीवन में कमा भी पाएंगे. जब मैं यहाँ आया और स्टूडियो में एंटर करके दरवाजा खोल ही रहा था, तो उसी समय गेट पे देखा. मैं आपको दिखाता हूँ गेट पे मैंने कहाँ देखा. और जैसे ही यहाँ अपने स्टूडियो से मैंने गेट की तरफ देखा, और ये देखिए कि हमने कहाँ देखा, हमने यहाँ देखा, मैंने यहाँ इस गेट पे. और गेट पे हमें इमीडिएटली एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसके कंधे पे हम लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीका से डिपेंड कर रहे हैं. और जैसे हमारा मोटो है कि वही फैकल्टी पढ़ा है जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, बोल बच्चे ना हो और बेकार की कहानियां ना हो, रेदर रियल केस स्टडीज हो. तो मुझे देखें दीपांशी गुप्ता, ये दीपांशी यहाँ, और इनको एटीसी के इस टी शर्ट में आते हुए जब देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मैं मेट्रो में चढ़ी होंगी तो लोगों देखते होंगे कि एटीसी है क्या. और ये दीपांशी हैं एंड सी इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर. एंड मैं आपको बोलता हूँ, यू जस्ट वेट फॉर द फ्यू इयर्स एंड सी विल बी द वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इन इंडिया. बिकॉज इसमें वो कामनेस है, वो डेडिकेशन है, वो चीजें हैं. और ये सीए इंटर में लॉ पढ़ाती हैं और ये लॉ का बेस है जो प्रैक्टिकली इन्होंने अनुभव किया है, चाहे वो वैस एसोसिएट से हो, चाहे वो इकॉम से हो, चाहे लुथरा से हो, एंड आने वाला कल में ये बड़ा फॉर्म कुछ भी हो सकता है, ये खेतान हो सकता है, ये अमरचंद हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है. मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक बार अगर निर्णय ले लो तो स्टेप इन, यानी एक्शन लो. आज मैं बार बार ये वर्ड बता रहा हूं, डोंट स्टॉप योर गुड इन द प्रोसेस ऑफ द बेटर और बेस्ट, टेक एक्शन. तो अभी मेरे पास टाइम है सिर्फ एवं सिर्फ हाफ एन आवर, जिसपे मैं ये थियरी पार्ट आज कवर करूंगा. देन आज पूरा स्टूडियो इनके पास है, जब इनसे मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं फिर से इसको आगे बढ़ाऊंगा. एंड आज रात की मेरा ये भी प्लान है कि मैं गणेश जी का मंडपम में जाके देखूं कि गणेश जी कैसे हैं, चीजें हैं, एंड समथिंग लाइक दैट. सो टुडे द स्टूडियो इज फॉर यू, एंड जस्ट मुझे गिव मी हाफ एन आवर, मैं हाफ एन आवर में खत्म करके और फिर मैं आपको स्टूडियो वर्कआउट करूंगा. हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग. आज का दिन बहुत ही अच्छा था. जैसे मैंने बताया आपको पिछले ब्लॉग में कि
मुझे रात को 1:30 बजे जाना पड़ा, बट सुबह आकर के मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग को खत्म किया। आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट एंड ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आज मैंने बजट कंट्रोल स्टार्ट कर दिया था। दीपांशी अभी भी रिकॉर्ड कर रही है, रात के 7:45 बजने वाले हैं और सी इज स्टिल रिकॉर्डिंग इट एंड आई डिड लॉट ऑफ वर्क एंड प्रिपरेशन। मजेदार बात होगा कल का ब्लॉग। कल अर्ली मॉर्निंग 6:00 आई लीव माई होम टू द एयरपोर्ट्स, आई विल गो टू द मुंबई फॉर JSW डोल्बी। इन बिटवीन द वे रास्ते में नवी मुंबई आएगा एंड नवी मुंबई में GBS के CEO के साथ हमारा मीटिंग है, हमारा लंच है वहाँ पे और उसके बाद हम फिर जाएंगे डोल्बी के लिए। मुझे अगर वक्त मिला तो आपको मैं दर्शन कराऊंगा वहाँ सी बीच पे, अ वेरी फेमस प्लेस जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों का फार्म हाउस होता है। यू नो वॉट इज द प्लेस नेम इज अलीबाग, राइट? तो मैं आपको अलीबाग भी दिखाऊंगा और अलीबाग के बारे में बातें करूंगा। हालांकि दिल्ली से अलीबाग का डायरेक्ट फेरी है जिसमें कार के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि नवी मुंबई में मेरी मीटिंग है तो मुझे नवी मुंबई का मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा GBS के CEO नवनीत बंसल जी के साथ एंड ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इज अ CEO ऑफ अ BPO। थिंक अबाउट दिस, इज आई एम वेरी एक्साइटेड मीट हिम इन फैक्ट एंड दैट्स वी। एंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर आप देखिए कि अभी भी दीपांशी इज रिकॉर्डिंग। अभी कंसिस्टेंसी इज द पावर, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द पावर, कंसिस्टेंसी इज द पावर। और मैं आपको ये पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ और जस्ट आई एम गोइंग टू टेक एंड आई वांट टू शो यू दैट हाउ कंसिस्टेंटली फ्रॉम 11:00 मॉर्निंग सी इज रिकॉर्डिंग एंड सी इज रिकॉर्डिंग विद द पावर, सी रिकॉर्डिंग विद समथिंग ग्रेट। एंड सो आई जस्ट आई शो यू हाउ सी इज रिकॉर्डिंग। स्टूडियो में जा रहा हूं एंड चुपके से उनकी रिकॉर्डिंग मैं करूंगा, चुपके से, देखिएगा ध्यान से, चुपके से। इंडिविजुअल के नाम पर ही है, अगर रिपोर्टिंग कंपनी में ये इंडिविजुअल शेयर्स होल्ड करता है कैसे, अपने ही नाम में, यानी वो रजिस्टर्ड ओनर ही है। हमने अभी पीछे वाली स्लाइड्स में कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी, रजिस्टर्ड ओनर। अगर वो रजिस्टर्ड ओनर ही है, अपने खुद के नाम में शेयर्स होल्ड कर रहा है या फिर ये इंडिविजुअल बेनिफिशियल इंटरेस्ट एक्वायर करता है और... ये हमारे गणेश जी हैं, ठाकुर जी हैं। विसर्जन के समय में मैं नहीं रहूंगा तो मैं आपको दर्शन अभी करा देता हूं एंड डेफिनेटली हम लोग कल मिलेंगे। कल सुबह, कल का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होगा, शानदार होगा, मजा आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गेट ट्यून्ड अप, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड आस्क पीपल टू ज्वाइन माय चैनल टू बी विथ मी। एंड हम एक अलग से एक सिस्टम बनाएंगे कि जैसे मैं नवी मुंबई में हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति इस ब्लॉग को देख रहा हो और नवी मुंबई में 1 से 2 के बीच में अगर मुझे कॉल करता है तो विल हैव अ कॉफी समेरेंस। ओके, दैट्स पॉइंट्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ट्यून्ड अप, दैट्स अ पॉइंट वी अंडरस्टैंड। सो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। Thank you so much. Like and subscribe my channel. God bless you. Dil se.